हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी सीबीटी की एग्ज़ाम चल रही है, तो ट्रेड थ्योरी फिटर से संबंधित मैं लेकर के आया हूँ। फिटर के ट्रेड थ्योरी में बताऊँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पर। और अपने टॉपिक पर आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता या निःशुल्क होता है। सब्सक्राइब करते समय ये ध्यान आपको देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देखते हैं, आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि द चीफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज दैट इट इज, आपके ऑप्शन है ए सॉफ्ट, बी ब्रिटल, सी स्ट्रॉन्ग, डी टफ। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है। तो कह रहा है प्रश्न, फिर से मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि द चीफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज दैट इट इज, मतलब एल्यूमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए आपका सॉफ्ट मतलब मुलायम, बी है ब्रिटल जिसको हम भंगुर कहते हैं, सी स्ट्रांग मजबूत, और डी आपका टफ है। तो चार में से एक सही है, वो सबसे जो है आपका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन ए आपका सॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि जनरली बेयरिंग बूसेज आर मेड ऑफ, मतलब साधारणतः बेयरिंग बूस बनाए जाते हैं किसके। ऑप्शन ए है कॉपर, बी है ब्रास, सी है वाइट मेटल, डी है गन मेटल। तो आपको ध्यान देना है कि बेयरिंग बूस जो बनते हैं वो गन मेटल के बनते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, आपका ऑप्शन है ए टीन एंड जिंक, बी है लेड एंड जिंक, सी है जिंक एंड निकल, डी है लेड एंड निकल। प्रश्न आपका हिंदी में मैं बताता हूँ, प्रश्न ये कह रहा है कि गन मेटल किसका एलॉय होता है, मतलब मिश्रित होता है, किससे मिलकर बना होता है। एलॉय मतलब मिश्र हुआ। तो देखिए गन मेटल आपका कॉपर टीन एंड जिंक, ये तीनों के मिलने से बनता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं टिक मार देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन आपका 5 है कि द फिलामेंट्स ऑफ लैम्प बल्ब्स आर मेड ऑफ, ऑप्शन ए है निकल, बी क्रोमियम, सी टंगस्टन, डी टीन। प्रश्न कह रहा है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो किस मेटल का बना होता है। तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि द चीफ एलॉइंग एलिमेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील आर, प्रश्न कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में मुख्य जो है तत्व क्या होते हैं। आपके ऑप्शन है ए क्रोमियम एंड निकल, बी है क्रोमियम एंड टंगस्टन, सी है निकल एंड वैनेडियम, डी है निकल एंड टंगस्टन। तो चार ऑप्शन में आपके करेक्ट और सबसे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम एंड निकल। तो आपका जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें मुख्य एलॉइंग एलिमेंट्स के रूप में जो यूज होते हैं वो क्रोमियम और निकल होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट और सही आंसर है। इसको मैंने टिक मार लिया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि द एलॉयज ड्यूरालुमिन एंड हिंडोलियम कंटेन 95% ऑफ, ऑप्शन ए है आपका कॉपर, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है लेड, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो कह रहा है कि ड्यूरामिलियन जो है और हिंडोलियम किसका एलॉय होता है जिसमें 95% क्या मिले होते हैं। तो चार ऑप्शन में से आपका एक करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ए कॉपर दिया है, बी जिंक है, और सी लेड है, और डी एल्यूमिनियम है।
तो इसमें ऑप्शन बी आपका जिंक करेक्ट और सही आंसर है। चलिए यहाँ पे जिंक को हम मार देते हैं, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि मुंज मेटल इज एन एलॉय ऑफ, आपके ऑप्शन है ए कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन बी है कॉपर एंड टिन, ऑप्शन सी है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है कॉपर एंड निकल। तो मुंज मेटल आपका एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, तो आपका जिसे हम ब्रास के नाम से भी जानते हैं, मुंज मेटल को हम लोग ब्रास भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको टिक मार लेते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न है कि मोनल मेटल कंटेंट्स, मतलब मोनल मेटल में क्या क्या मिले होते हैं। ऑप्शन ए निकल एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है निकल एंड कॉपर। तो इसमें करेक्ट और सही आंसर है निकल एंड कॉपर, ऑप्शन बी। चलिए हम टिक मार लेते हैं ऑप्शन बी को, ये करेक्ट और सही आंसर है हमारा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट टीन इज करेक्ट, आपके ऑप्शन है ए टीन कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी है टीन इज द मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ मोस्ट सोल्डर्स, ऑप्शन सी है टीन इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन डी है टीन इज कोरोजन रेसिस्टेंस मेटल। तो सबसे करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन डी टीन इज कोरोजन रेसिस्टेंस मेटल, मतलब टीन जो है आपको जंग रोधी, सबसे अधिक जंग रोधी आपका धातु है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको हम टिक मार लेते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है। अगला प्रश्न है कि कास्ट आयरन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन बेड्स, बिकॉज कह रहा है प्रश्न कि कास्ट आयरन का उपयोग जो है मशीन के बेड्स बनाने के लिए किए जाते हैं, किस लिए। आपका ऑप्शन है इट कैन रेसिस्ट मोर कंप्रेसिव स्ट्रेस, बी है इट इज हैवी इन वेट, सी है इट इज चीपर मेटल और डी है इट इज ब्रिटल मेटल। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है कि इट कैन रेसिस्ट मोर कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट और सही आंसर है। इसीलिए आपका ये मैन्युफैक्चरिंग मशीन में बेड का बनाया जाता है, जिसका ये कास्ट आयरन का सबसे अच्छा गुण है आपका कि यह जो है अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेस को सहन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, लेड एंड टिन, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड सिल्वर। तो देखिए ब्रास कॉपर और आपका जिंक का एलॉय होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन सी। अब ब्रास जिसे आप पीतल के नाम से जानते हैं, पीतल आपका कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम इन इट्स प्योर फॉर्म इज नॉट यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स बिकॉज, मतलब एल्यूमिनियम का जो उपयोग आपका इंजीनियरिंग में शुद्ध रूप में क्यों नहीं किया जाता, इसका क्या कारण होता है। तो आपके ऑप्शन है इट इज ब्रिटल, बी है इट इज वेरी लाइट, सी है इट इज कॉस्टली, डी है इट लैक्स स्ट्रेंथ। तो आपके करेक्ट और सही आंसर हैं ऑप्शन डी इट लैक्स स्ट्रेंथ, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है, इसलिए प्योर फॉर्म में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, कह रहा है कि कौन सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी कॉपर। चार ऑप्शन में से आपका सबसे करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, हल्की धातु है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। व्हाइट मेटल इज एन एलॉय ऑफ, मतलब व्हाइट मेटल किसका मिश्र है। ऑप्शन ए कॉपर एंड टिन का, ऑप्शन बी है कॉपर जिंक एंड टिन का, ऑप्शन सी है कॉपर लेड टिन एंड एंटीमनी का, ऑप्शन डी है कॉपर जिंक टिन एंड एंटीमनी का।
यहाँ पे वाइट मेटल में कॉपर, लेड, टीन एंड एंटीमनी रहता है मिला हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन सी को हम टिक लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बोला गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ, मतलब जो गैल्वेनाइज्ड आपका लौह धातु होता है उस वो उसमें किससे जो है ना गैल्वेनाइज किया जाता है, किसका लेयर चढ़ा होता है। ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी कॉपर। तो देखिए गैल्वेनाइज आयरन में आपका जिंक का लेयर चढ़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि कार्बन कंटेंट इन कोल्ड चीजल इज, मतलब ठंडी आपका चीजल में कार्बन की जो मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए है आपका 0.6 to 0.7%, ऑप्शन बी है 0.85 to 0.95%, ऑप्शन सी है 1.0 to 1.2%, ऑप्शन डी है 1.2 to 1.4%। तो इसमें चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.0 to 1.2%। तो आपका जो ठंडी चीजल होती है उसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 1.0 to 1.2%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बोला है डिजरेबल हार्डनेस इन ए फाइल इज जनरली, मतलब फाइल में साधारणता कितना हार्डनेस जो है होना चाहिए। ऑप्शन ए है 30 HRC, ऑप्शन बी है 45 HRC, ऑप्शन सी है 60 HRC, ऑप्शन डी है 80 HRC। तो आपका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 60 HRC, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, अगला प्रश्न है कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, अब आप ब्रॉन्ज देखिए मैं इसका हिंदी में बताता हूँ, ब्रॉन्ज मतलब होता है कांसा। अब कांसा किसका मिश्रण होता है, ऑप्शन ए कॉपर एंड टीन, ऑप्शन बी लेड एंड टीन, ऑप्शन सी कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन डी कॉपर एंड लेड। तो ब्रॉन्ज में जो आपका होता है कॉपर और टीन को मिलाने से ब्रॉन्ज बनता है, इसलिए इसका अलाय हो गया ऑप्शन नंबर ए कॉपर एंड टीन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, अगला प्रश्न है कि द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी रोल्ड इन टू सीटीज, मतलब वो कौन सा धातु का गुण है जिसके कारण हम मेटल को रोल कर सकते हैं, मतलब मोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी मैलेबिलिटी, ऑप्शन सी डक्टिलिटी, ऑप्शन डी टेनेसिटी। तो ऑप्शन ए आपका जो दिया गया इलास्टिसिटी का मतलब हो गया लचीलापन, तो वो तो मान लीजिए कि आपका स्प्रिंग में पाया जाता है। ऑप्शन बी मैलेबिलिटी मतलब आघात वर्धनीयता, ऑप्शन सी डक्टिलिटी जिसको हम तन्यता कहते हैं, ऑप्शन डी टेनेसिटी मतलब जिसमें हम इसको मड़ोड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोल्ड करने के लिए हमको आघात वर्णीय होना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम जब तक सीट के रूप में नहीं फैलाएंगे तो हम उसको रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आप लोग जो है ये जो मैं बता रहा हूँ आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे बढ़ते जाएँ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न है कि क्रेन हुक्स आर मेड ऑफ, मतलब क्रेन का जो हुक होता है किसका बना होता है। ऑप्शन ए रोट आयरन, ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी कास्ट स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। तो चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन ए रोट आयरन। तो क्रेन का जो हुक होता है वो रोट आयरन का बना होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन ए रोट आयरन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज कोरोजन रेसिस्टेंस, मतलब कौन सा वो धातु है जो आपका जंग रोधी है। ए एल्यूमिनियम, बी टीन, सी कॉपर, डी माइल्ड स्टील। तो आपका यहाँ पे जो कोरोजन रेसिस्टेंस के रूप में यूज होता है वो है टीन हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन बी टीन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फ्लविंग इज एलॉय कैन रेसिस्ट साल्ट वाटर कोरोजन। तो इसमें आपका करेक्ट और सही आंसर है आपका वो है हमारा जिंक एलॉय। ये जो है आपका साल्ट वाटर का कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। कुछ ये देख रहे हैं कि आप कॉल आ रहा है, मैंने जो है इसको फ्लाइंग मोड में नहीं किया था, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन जल्दी से बताता हूँ। ए ब्रास, बी गन मेटल, सी जिंक एलॉय और डी निकल क्रोमियम एलॉय। तो इसमें करेक्ट और सही आंसर है आपका जिंक एलॉय। चलिए हम ऑप्शन सी को मार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।